हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुनगा आलू की सब्जी बनाने का बहुत आसान तरीका। तो इसे हम कुकर में बनाएंगे और जल्दी ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको पूरी रेसिपी देखनी है तो आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है, ये झटपट बन जाता है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मुनगा। तो मैंने यहाँ पर 1 मुनगा काटा है और 2 आलू है यहाँ पर, इतने बड़े बड़े साइज में मैंने कट कर लिए हैं। और यहाँ पर 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है, और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं जिसे मैंने काट लिया है, और 1 हरी मिर्च है बघार लगाने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना रही हूँ, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सबकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से। तो मुनगा आलू की सब्जी मैं आज आपको कुकर में बनाना बता रही हूँ, और इसको बघारने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच तेल लिया है, और गैस को मैंने चालू कर दिया है। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हमें लहसुन और हरी मिर्च डालना है, और इसके साथ में मैं इसमें जीरा डाल दूँगी थोड़ा सा। तो इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। थोड़ी सी हमें 1/4 छोटे चम्मच हमें हल्दी चाहिए होगी, 1 चम्मच के बराबर धनिया पाउडर, और 1 पिंच के बराबर गरम मसाला, और 1/4 चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर। आप गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो, और गरम मसाला ज़्यादा ना डालें नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा ही हमें डालना है गरम मसाला। तो लहसुन जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है, और इसमें मैं सारे मसालों को डाल दूंगी, और गैस को हमें धीमी रखनी है नहीं तो मसाला जो है वो जल सकता है। और इसके साथ में हमें टमाटर भी डाल देना है। इसे हमें चलाना है और अच्छे से 1-2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि टमाटर जो है और सारे मसाले पक ना जाएं। इसमें आप टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और इसके साथ में हमें 1/2 चम्मच नमक भी डाल देना है। तो 1 मिनट करीब करीब लगता है इसे पकने में। तो टमाटर जो है हमारा पक चुका है, और अब इसमें मैं मुनगा और आलू जो मैंने काट कर रखा था उसे मैं डाल दूंगी। इसे भी हमें अच्छे से चला लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है सब्जी के साथ में, और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी करीब करीब 1/2 गिलास के आसपास। तो अब इसमें हमें कुकर का ढक्कन लगा लेना है, और इसे हमें 1 सीटी आने तक पकाना है धीमी धीमी आंच पर। इस समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसे 1 सीटी तक ही पकाना है, आप 1 सीटी से ज़्यादा ना पकाएं। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो मुनगा जो है वो ज़्यादा गल जाएगा, तो ध्यान रखें 1 सीटी तक ही पकाएं। और इसे पकने में करीब 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 1 मिनट लगता है, और झटपट ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो जब भी आपको जल्दबाजी हो, आपके पास टाइम कम हो, तो आप कुकर में ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुनगा आलू की सब्जी बनकर तैयार है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। तो इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और इस पर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली है ऊपर से। तो जब भी आपके पास टाइम बहुत कम हो और आपको झटपट ईजी रेसिपी चाहिए सब्जी की, और सब्जी बनाना हो आपको चटपटी, वो फटाफट से आप इसे कुकर में बना सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी सब्जी है जिसे आप कुकर में फटाफट बना सकते हैं, और जल्दी ही वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही रेसिपी और चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं कुकर में बनने वाली सारी सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुनगा आलू भी बहुत ज़्यादा आसान है इसे बनाना। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसे आप सिर्फ 1 ही सीटी लगाएं कुकर में, और 2री सीटी ना लगाएं, नहीं तो मुनगा जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे तो ये सब्ज़ी अच्छी बनेगी। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इसे आप बनाकर, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है खाने में।
और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाकर इसे ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पर। ओके बाय फ्रेंड।